न्यूज के बंस इंडिया का डीएनए में आज अयोध्या मामले पर भी चर्चा हुई है और इस सबसे बड़े मुकदमे पर अब फैसला आने में 2 हफ्ते का भी वक्त नहीं बचा है। आपको दिखाते हैं कि राम मंदिर पर मोदी कैबिनेट के बड़े मंत्रियों ने क्या कुछ बड़े बयान दिए। मैं राम मंदिर पर कुछ नहीं बोलूंगा, देश का कानून मंत्री हूं और मैंने इस मामले की बहस भी की थी लखनऊ बेंच में, मेरा श्री राम जी का वकील भी था हिंदुओं का। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बहस सुन करके अब निर्णय सुरक्षित रखा है तो मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। पूरा विश्वास है, फैसला क्या आता है देखेंगे, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि जिस तरह से के महमूद जो एएसआई का अधिकारी है, बिल्कुल, और उन्होंने जिस तरह से सबूत सारे दिए कि एएसआई के रडार के प्रत्यक्ष उत्खनन में जो भी पाया गया कि वहां एक मंदिर था और मंदिर को मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई, ऐसा जिससे जो लोग मस्जिद कहते विवादित ढांचा है वो बनाई गई, ये आज बात कोर्ट के सामने है, अब कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। और राम मंदिर पर जी न्यूज हमेशा से इसी पक्ष में रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द हर कीमत पर बना रहना चाहिए और इसीलिए जी न्यूज ने अयोध्या में कोई गर्मागर्म बहस नहीं की क्योंकि हमें टीआरपी नहीं सौहार्द की फिक्र है। बिल्कुल समझिए इसे आप, इंडिया के डीएनए के मंच पर अयोध्या पर क्या चर्चा हुई कि आज आपको जरूर देखनी चाहिए। मंत्री जी कह रहे हैं ना संयम रखिए, तो अभी संयम रखना चाहिए, अभी हम क्यों जंप टू द कंक्लूजन, एकदम अभी फैसला भी नहीं आया और हम बहुत जल्दी निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। तो इस्लाम में स्पष्ट लिखा है जहां विवादस्त स्थान वहां मस्जिद नहीं बन सकती। वो तो मस्जिद बनाने के उसूल में से कि जिस कमाई से जमीन खरीदी जाएगी वो हलाल हो। अपने काल में भी मस्जिदें तोड़वाई है जहां विवाद हुआ है, तो कहने का मतलब ये जहां विवाद है जहां नमाज नहीं पढ़ी जाती मस्जिद कैसे कह सकते हो। जब से हुजरा टूटा है तब से मैं रोज हवन करता हूं कि वहां राम मंदिर बने, डेली हवन संकल्प लेता हूं। आज जुमा था और मैं जुमे की नमाज में दुआ करके आऊं कि हमारे मुल्क में अमन अमान कायम रहे, हमारे हिंदू और मुसलमान भाई एक साथ मिलकर जुलते रहे। अगर किसी के दिल में नफरतें बदल गई हैं, भर गई हैं, तो उन नफरतों को खुदा मोहब्बतों से बदल दे। राम मंदिर निर्माण के लिए जुमे में दुआ करनी चाहिए थी कि राम मंदिर निर्माण शुरू हो या विवाद खत्म हो। ये समाज यहां से जाना बहुत जरूरी है। प्रज्ञानंद जी बोलिए। देखो धर्म समाधान का विषय है, व्यवधान का विषय नहीं है, तो उसे उस धर्म को जो रामो विग्रहवान धर्म, जो भगवान राम स्वयं मूर्तिमंत धर्म के स्वरूप हैं, उनको ही हम राजनीति का विषय बनाएं, उनको व्यवधान का विषय बनाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि ये वक्त है कहीं ना कहीं ऐतिहासिक इतिहास रचने का, हम लेकर के गए इस मामले को कोर्ट में, न्यायपालिका के पास कि आप फैसला कीजिए, हमने सब्र किया, वो वक्त आ चुका है 70 साल बाद और अब जिम्मेदारी हमारी और हमारी सभ्यता की बनेगी, फैसला जो भी आए हम उसे दोनों हाथों से स्वीकार करके मंजूर करें और ये अपने को बताएं। थोड़ी थोड़ी सेकंड। फैसला जो भी आए, धार्मिक सौहार्द आपसी भाईचारा और ये प्रेम, इसमें कोई दरारें नहीं आनी चाहिए, हमें स्वीकार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट जिसके हक में भी फैसला सुना है उसके अपने डिस्क्रेशन, उसकी सवाबदी, उसके विवेक पर है कि वो किनको सबूत मानते हुए कि ये सही सबूत है ये गलत है, जो भी एविडेंस होंगे कोर्ट को वो उनको मान के फैसला सुनाएगा, हमें स्वीकार्य होना। ठीक है वसीम जी, देखिए फैसला चाहे कुछ भी आए, अयोध्या राम जन्मभूमि है, राम जन्म स्थान पर राम मंदिर बनना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प खुला ही नहीं है। बहुत ही सार्थक तरीके से बहस, भड़काने वाली बहस नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, आप जानते हैं बहुत ही संवेदनशील मामला है मंदिर निर्माण को लेकर और फैसला अब जल्द आने वाला है। लेकिन अयोध्या विवाद पर इन बयानों का मतलब आप समझिए कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान हो, ये जी न्यूज मानता है और यही प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से कहा गया। एएसआई के खनन में सामने आया था कि मंदिर के ऊपर मस्जिद का ढांचा था, ये बात भी प्रकाश जावड़ेकर ने कही और प्रधानमंत्री मोदी ने फैसले पर सामाजिक सद्भाव की बात कही है, ये बात भी उन्होंने दोहराई।